पूरा ऑफिस एरिया यार ये तो। पीछे रहा बस और ये वादिया देखो। मेरे को लग रहा था शायद बॉर्डर यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर दूर है, बट मैप में जब देखा ये पानी ही बॉर्डर है, मतलब वो वाला एरिया है किर्गिस्तान। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो, नए सफर, नए प्लान। तो था ग्रैंड कैनियंस जाने का, बट सब कुछ ट्राई कर लिया, कुछ हो नहीं रहा। और जब जिनसे भी बात कर ली सब यही बता रहे कि बेटर यही होगा कि आप लोग टूर ले लो, आप लोग मतलब मैं खुद। तो अभी जा रहा हूँ, एक टूर कंपनी से बात की थी इंस्टाग्राम में, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं आपको वो टूर कंपनी का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पहले अभी चलते हैं टूर गाइड के पास और देखते हैं क्या कुछ चार्जेस हैं और कैसे क्या होने वाला है सिस्टम अपना। चलिए चलते हैं। और बस का सिस्टम पता चल गया, बस में आपको 150 टेंगे देना पड़ेगा कहीं पे भी निकल जाओ। हॉस्टल वालों से बात की तो आप पास जा रहे हो दूर जा रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ 150 टेंगे देने पड़ेंगे। अभी टैक्सी बुक कर लेते हैं। चलिए पहुंच गए, पूरा ऑफिस एरिया है। शायद कैमरा वगैरह तो अलाउड नहीं होगा, बट देखते हैं जहाँ तक अलाउड होगा वहाँ तक शूट कर लेंगे। Do you understand English? This is the question. Straight. Pura office area yaar ye to. Sir. हेल्प कर रहे हैं यार एड्रेस ढूंढने में थोड़ा। दादा रहमत भाई मिल गया, ये तो कोई मार्शल आर्ट का ऑफिस है, सब कुछ है यहाँ पे यार। ब्लॉक डी। हेलो डॉक्टर। या लोकेशन कलेक्शन टाइम एंड डिपार्चर टाइम इज थैंक यू रहमत। टिकट करा लिया, के टूर का नाम था और ठीक था मेरे हिसाब से। कितना 12,000 टेंगे पड़े, 12,000 बोले तो कितना होगा 160 रुपये हो रहा है, तो फिर उस हिसाब से ठीक है। 20 जन जाएंगे और ऑब्वियसली बात है होटल जर्नी शायद 600 से 700 किलोमीटर होने वाली है, तो उस हिसाब से ठीक है मेरे हिसाब से। तो बाकी देखेंगे कल टूर कैसा क्या जाता है, कल देखेंगे और इस वीडियो को कल कंटिन्यू करेंगे। कल के दिन मिलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका डे 2। डे 2 मतलब क्या, कल टिकट करके आया था, अब जाके मिल रहे हो। सुबह के बज रहे हैं 5, ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। 5:30 तक पहुँचना है, यहाँ से लगभग 20 मिनट लगेगा। रात को कल मैसेज आया कि चेक यहाँ पे पिकअप पॉइंट है वो चेंज हो चुका है, तो फिलहाल तो अभी मेरे को पास पड़ गया, अगर थोड़ा दूर होता तो पंगा हो जाता क्योंकि पहला वाला पिकअप पॉइंट दूरी था। अभी अपनी टैक्सी बुक कर ली है, 4 मिनट में आ रही है, आने दो एंडेक्स को, फिर रवाना होंगे। एक बार पिकअप पॉइंट पर मिलते हैं। ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ यार, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बस है यार ये तो। Okay, you can come in and take a seat. Any seat or? Any seat. Okay, yeah, okay. Thank you. आ गया बस में, ऐसा सा कुछ बस है, बस नाम चेक किया। पहला स्टॉप आ गया, बेसिकली एक सुपर मार्केट है, 10 मिनट का स्टॉप है, वॉशरूम वगैरह या फिर कुछ खरीदना वरीदना होगा। आधे घंटे में आ गया पहला स्टॉप। थोड़ा बहुत
खरीद लिया सुपरमार्केट से, भूख लग रही थी, ब्रेकफास्ट के लिए कुछ लाया नहीं था, एक एप्पल लेके आया था, होपफुली एक क्रॉसन और एक सैंडविच ले लिया, होपफुली उतने में पेट तो भर ही जाएगा। और बात करूँ पैसेंजर्स की तो यहाँ पे सारे पैसेंजर्स वेट कर रहे हैं, लगभग पूरी बस तो खुली जा रही है, बस लगभग ये मान के चलो 30-40 पैसेंजर होंगे शायद, वो अपनी बस की पेट्रोल वगैरह भर रहे हैं, गैस वगैरह भर रहे हैं, फिर जैसे ही बस आता है फिर बस पर बैठ के निकलेंगे फिर से। दिक्कत यही है कि इंग्लिश में कोई नहीं बोल रहा, तो आपको थोड़ी बहुत परेशानी होगी। अब पहली बात है कि उन्होंने मेरे को बता दिया था ये चीज़, कल जब मैं बुक करने गया था तब तो उन्होंने मेरे को बता दिया था ये चीज़ कि रशियन में होगी और कजाक में होगी, जो भी टूर्स का गाइड वगैरह जो भी है कन्वर्सेशन वगैरह, तो एक गाइड है जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो वो आके मेरे को बता देती थी कि मतलब ऐसा ऐसा है। आ गए हम पहले स्टॉप पे, एक कोई तो लेक है, लेक की तरफ चल के जाना पड़ेगा अभी। है बस हार्डली 600-700 मीटर हो, पूरे बस में मैं अकेला ही हूँ, मतलब अकेला घूम रहा हूँ, सब फैमिली फ्रेंड्स के साथ आए। टाइम एट द बस इज 12:40, डोंट लेट। कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई है फिलहाल, प्यारा सा व्यू है ना पीछे, मस्त लग रहा है, लेकिन जो भी कहो बहुत शांति है और टूरिस्ट मतलब है ही नहीं, जितना बस में आया बस उतनी है, मतलब 30 या 40 हो गए बस, वो भी क्योंकि मैं टूर कंपनी के साथ आया हूँ तो बस उतनी ही है, उससे ज़्यादा भी नहीं है। और ये कजाकी घोड़े, लेके पूरे नीचे तक आ सकते हो और लेके है और इसमें क्या दिखाऊं यार, बट व्यू बहुत प्यारा है, फोटो उठा सकते हो आराम से, आधा एक घंटा पूरा बिता सकते हो। एक कुछ तो एक ट्रेल जैसा ऊपर जा रहा है, पता नहीं कहाँ जाएगा, देख के आते हैं जहाँ तक जा पाएंगे, सभी जा रहे हैं तो मैं भी निकल रहा हूँ। अभी थक गए हैं और रुक गए, अकेला ही बढ़ रहा हूँ, अभी आ गया हूँ तो इतना दूर, देख के आप भी जाते हैं, है भी है नहीं कुछ, और ऐसा ऐसा कुछ व्यू निकल गया है यहाँ पे। बात करूँ इस एरिया की तो बॉर्डर के बहुत पास है, तो आप जब आओगे तो सिक्योरिटी वगैरह बहुत टाइट मिलेगी आपको यहाँ पे, बॉर्डर फोर्सेस मिलेंगे आपको यहाँ पे, क्योंकि किर्गिस्तान बॉर्डर शायद यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर रह जाता है शायद इन वादियों में, तो हालांकि एक टूरिस्ट प्लेस है बट सिक्योरिटी तो टाइट रखनी पड़ेगी, और ये वही कर रहे हैं, बस अपना काम कर रहे हैं, बट आपको बहुत दबा के पुलिस वाले या फिर आर्म फोर्सेस वाले मिल जाएंगे इस एरिया में, क्योंकि आप शायद इस साइड कहीं है किर्गिस्तान, 2 या 3 किलोमीटर होगा शायद, मेरे को लग रहा था शायद बॉर्डर यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर दूर है, बट मैप में जब देखा ये पानी ही बॉर्डर है, मतलब वो वाला एरिया है किर्गिस्तान,
ये वाला पहाड़ है कजाकिस्तान, वो वाला पहाड़ है किर्गिस्तान। हाथों से दिखाओ तो ये कजाकिस्तान का पार्ट है, वो किर्गिस्तान का, और ये पानी बॉर्डर है। इससे प्यारा बॉर्डर नहीं देखा मैंने जिंदगी का। बस इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, अलविदा देते हैं इस लेक के व्यू से, और मिलते हैं अगले डेस्टिनेशन में। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं अगले हफ्ते। मैं शुभ बाकी।